नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट एप्लीकेशन से लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट अकाउंट अपना लॉग आउट कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से। दोस्तों अगर आप भी स्नैपचैट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लॉग आउट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। जैसे दोस्तों आप स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे का स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप नीचे का स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जिसको आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसमें आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसमें आपको लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार आप स्नैपचैट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।